राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक दरबार झोकुन बाग झांसी में सभी सिख समाज के लोग इकट्ठा होकर हाथ में काला कपड़ा बांधकर हाथों में राहुल गांधी होश में आओ के स्लोगन की तख्तियां लेकर पैदल मार्च पर निकले और लाइट चौराहे पर पहुंचकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी माफी मांगो के नारे लगाए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सरदार परमजीत सिंह मन्नी ने कहा है कि कांग्रेस तो हमेशा से ही सिख समाज के विरोध में रही है, हम 84 भूले नहीं है और उसके बावजूद विदेश में जाकर ऐसी टिप्पणियां करना कि हिंदुस्तान के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, जो राहुल गांधी जो सिखों से सहानुभूति का नाटक कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने कांग्रेस में 84 के दंगों के जो हत्यारे हैं सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने 84 में सिखों का कत्लेआम किया था, उनको अपने पार्टी से बाहर निकाले और समूह सिखों से माफी मांगे जो भी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। हरदोई में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार, स्थानीय लोगों ने शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला, चार लोग रस्सी बांधकर तालाब में उतरे थे, चालक को अंदरूनी चोटें लगी थी, डर से थरथर कांप रहा था चालक, जेसीबी बुलाकर कार को निकलवाया बाहर। पिहानी थाना क्षेत्र के जराना गांव के पास का एक पूरा मामला। पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान थाने पर प्रश्नित अभिलेखों को चेक कर सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस दौरान क्षेत्राधिकारी चांदपुर भी मौजूद रहे। जिन मौलानों को धार्मिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी होती है वही मौलाना जब दरिंदा बन जाए तो ऐसा दरिंदा जिसने एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चे के शोर मचाने से आसपास के जागरूक लोगों ने बच्चे को बचा लिया लेकिन मौलाना फरार हो गया। बहरहाल मौलाना को पुलिस ने धर दबोचा है, कानून का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर ली है। बाराबंकी का एक पूरा मामला है। इसमें एक ट्यूशन पढ़ाने का काम करने वाले और एक दरगाह पर सेवा करने वाले ये हबीब अहमद के द्वारा अपने भाई की बीमारी को ठीक कराने के लिए ये कुछ झाड़ फूक का भी काम करते हैं। एक बच्ची इनके यहाँ गई झाड़ फूक के लिए, वहाँ पर इनके द्वारा अश्लील हरकत की गई। गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, बड़ा हादसा होने से टला, कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के दौरान लगा जाम, सूचना पर पहुंची पुलिस ने खुलवाया जाम। थाना शिवल कला क्षेत्र के रतनगढ़ का एक पूरा मामला। अमरोहा के मोहल्ला बेगमसराय बसवानगंज और जय ओम नगर और कई मोहल्ले में बिजली विभाग ने बकाया बिल और बिजली चोरी चेकिंग अभियान चलाया जिसमें बड़े बकायादार 35 लोगों के कनेक्शन काटे गए, 10 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं बिजली विभाग के एसटीओ जीडीपी प्रजापति ने जानकारी दी कि अमरोहा में 27 करोड़ का बकाया होने को लेकर बिजली विभाग ने बकाया बिल और बिजली चोरी अभियान चलाया। इसमें जो बड़े बकायादार हमारे कंज्यूमर हैं उनको एक तो निर्देशित किया गया कि भाई अपने बिल जमा कर लो, नहीं उनके कनेक्शन काट दिए गए और जो बहुत ज्यादा बड़े बकायेदार थे उनके लगभग 30 से 35 कनेक्शन काटे गए हैं। कौशाम्बी के मजनपुर जिला अस्पताल के सामने संचालित एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई, इसकी जानकारी होते ही परिजनों ने कुबराम मच गया। वहीं नाराज परिजनों और रिश्तेदारों ने जच्चा बच्चा की मौत के बाद हंगामा किया, पति का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते मौत हुई है। हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने थाना क्षेत्र में करीब 6 दिन पहले घटी सुरेश की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल एक टूटा हुआ बेंटा रस्सी के टुकड़े बरामद हुए हैं। अभियुक्त पवन पर मृतक सुरेश द्वारा टिप्पणी मजाक की गई थी जिससे शुद्ध होकर पवन द्वारा सोते समय सुरेश की हत्या करने की घटना को अंजाम दिया गया। सुरेश नामक एक व्यक्ति हैं, लगभग 48 साल उनकी अवस्था थी, उनके घर में ही यानी घेर घर के पास जो घेर था वहाँ सो रहे थे और सवेरे उनका शव मिला था उसी चारपाई के ऊपर, गले पर कुछ निशान थे। पुलिस ने तुरंत इसमें जो है पोस्टमार्टम पंचायतनामा भरने का पोस्टमार्टम करवाया था पैनल से और इसका खुलासा हुआ है, बहुत जल्दी इसका खुलासा किया है पिलखुआ की पुलिस ने। इसमें एक पवन पुत्र अशोक नाम का एक व्यक्ति जो है उसके द्वारा यह घटना कारित करी गई है। कानपुर की बिदुन थाना पुलिस ने शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार सोने चांदी की दुकानों पर चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात समेत 22,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है जिसमें थाना बिदुन के रमईपुर में कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी की घटना हुई थी, उसी तरह 2 दिन पहले हनुमंत विहार में भी एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी। इन दोनों घटनाओं का खुलासा किया गया है जिसमें 3 अभियुक्त अर्जुन, अंकित और राजेश गिरफ्तार किए गए हैं। अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गए एक युवक की गंगा नहर में डूबकर मौत हो गई, युवक की नहर में डूबने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद गंगा से युवक का शव निकाला, मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आदमपुर थाना क्षेत्र के गाँव निरियाल बली खादर का पूरा मामला। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्य हुए गिरफ्तार, चोरी के मोबाइल को बेचते थे बांग्लादेश और नेपाल, पकड़े गए चोरों पर 50,000 रुपए का इनाम है, 28 मोबाइल फोन, 1 अदद तमंचा हुआ बरामद, बरामद मोबाइल फोन की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है।
बच्चों के राशन पर डाका डाल रही प्रधानाध्यापिका प्रीति सिंह ने मिड डे मील का राशन महिला को बेचा। महिला ने राशन की दो बोरी 2100 में प्रधानाध्यापिका से खरीदी। प्रधानाध्यापिका प्रीति सिंह मिड डे मील का राशन कोटेदार के यहां से आई थी, लेकिन प्रधानाध्यापिका के राशन बेचने की सूचना ग्रामीण शिक्षा विभाग के अधिकारी को दी। खंड शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर महिला से की पूछताछ। कबूल ब्लॉक नवाबगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नगला हीरा सिंह के गाँव का बुरा मामला है। जो हमारे प्राथमिक विद्यालय नगला हीरा सिंह की जो महिला प्रधानाचार्य है, तो ये कोटेदार से राशन लेके इन्होंने तुरंत वहाँ से बिक्री कर दी। काजगढ़ नगर पालिका सफाई कर्मी 3 महीने की तनख्वाह न मिलने अन्य मांगों को लेकर बीते दिवस से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें नगर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। गंदगी के अंबार और जैन समाज की शोभा यात्रा को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष बीना माहेश्वरी और चेयरमैन प्रतिनिधि राजेंद्र बोहरे अपने समर्थकों के साथ सड़क पर झाड़ू लेकर उतर आए। सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए पालिका अध्यक्ष को झाड़ू लगाते देख सफाई कर्मी भी वहां पहुंच गए, जिससे वहां सफाई कर्मी और पालिका के बीच तनाव का माहौल हो गया।